हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल हर घर का आंगन 27 पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी पर हम लोग छोटी छोटी कहानियाँ खुद से बना करके, छोटी छोटी कविताएँ खुद से बना करके, जिसमें कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सीख छुपी हो, इस प्रकार की कहानी हम अपने आंगनबाड़ी बच्चों को सुना सकते हैं, ताकि बच्चे उस कहानी से कुछ ना कुछ सीख लें और उसे अपने जीवन में उतारें, और उससे बच्चों का मानसिक भी विकास हो, शारीरिक विकास हो और उनका प्रत्येक प्रकार से भावात्मक विकास हो। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैं किस प्रकार की एक्टिविटी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के साथ करती हूँ और करवाती हूँ। चलिए, हेलो बच्चों, हेलो एक कहानी सुनाऊंगी तेजस, चलो तेजस खड़े हो जाओ, एक तेजस की कहानी सुनाऊंगी और एक गुंजन की, चलो गुंजन तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो तुम दोनों एक दूसरे को पहले हाथ मिलाओ, हाथ मिला के बोलो हाय हेलो, हेलो बोलो, तुम भी बोलो, बोलो बाबू बोल दिया, तुम भी बोलोगी। सुनो, आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगी, तेजस की कहानी और गुंजन की कहानी, और ध्यान से सुनेगा और तुम लोग बताओ कि तेजस अच्छा लड़का है कि गुंजन अच्छी लड़की है। ठीक है, देखो अभी नहीं, जब आखिरी में कहानी खत्म हो जाएगा तब बताना। तेजस जब सो के उठता है तो तेजस पता है क्या करता है? नहीं, तेजस तुम सो के उठते तो ब्रश करते हो? तेजस रोज ब्रश करता है। गुंजन तुम सो के उठती तो ब्रश करती हो? दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, देखो। लेकिन तेजस का दांत देखो ज्यादा सफेद है ना, और देखो गुंजन का दांत देखो कम सफेद है, यानी कि तेजस रोज ब्रश करता है और गुंजन रोज ब्रश नहीं करती है। तो अभी दोनों में से कौन अच्छा है? तेजस, तेजस। ठीक है, अभी फिर से देखो, रोज जब स्कूल का टाइम होता है, जब स्कूल का टाइम होता है तो गुंजन उठ करके और क्या करती है, रेडी होके ड्रेस व्रेस पहन के ओके हो जाती है। अभी बताओ, अब बाबू ड्रेस नहीं पहना है तेजस, तो तू बताओ दोनों में ड्रेस पहनोगे? अच्छा अच्छा घर पे है, तो कल यहाँ भी पहन के आना। अभी बताओ कौन ड्रेस में है? ड्रेस में कौन है? गुंजन है आंगनबाड़ी के ड्रेस में, है ना। अभी अभी का हीरो कौन है? अभी कौन विनर है? गुंजन। कौन है? गुंजन। यानी कि सबसे सबसे अच्छा हीरो, सबसे बढ़िया सुपर स्टार कौन होता है? जिसके दांत साफ होते हैं, जिसके बाल साफ होते हैं, जिसके कपड़े साफ होते हैं, है ना, और जो डेली स्कूल आता है। तुम बताओ गुंजन डेली स्कूल आती है कि तेजस डेली आता है? तेजस डेली आता है ना, सबको हाथ ऊपर करो, तेजस डेली आता है। ठीक है, तो आज का सुपर स्टार कौन हो गया? तेजस, तेजस हुआ ना। अब गुंजन भी रोज स्कूल आएगी तो गुंजन क्या बन जाएगी? सुपर स्टार, है ना। चलो बैठ जाओ, लाइन में बैठो, लाइन में बैठो, बैठ जाओ बाबू, तुम भी बैठ जाओ। चलो हम कहानी शुरू करते हैं, सब कोई ध्यान से सुनेगा। देखो, एक कछुआ था, है ना, और एक खरगोश था। ध्यान से सुनो, ऐ हीरो, ध्यान से मतलब अच्छे से बैठो और सुनो, सब कुछ सुनो। एक कछुआ था और एक खरगोश था, ठीक है। दोनों में एक बात की शर्त लगी, क्या शर्त लगी? कि जंगल में एक जगह खीर पका के रखा गया है और जो पहले जाएगा वो खीर खाएगा। सभी लोग बोलिए, जो पहले जाएगा वो खीर खाएगा। ठीक है, तो कछुआ कैसा चलता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? और खरगोश आप लोग देखे हैं कितना तेज कूदता है, दौड़ता है, देखे हैं? खरगोश किस कलर का होता है? सफेद। किस कलर का होता है? और कछुआ किस कलर का होता है? हल्का काई कलर लिए हुए, भूरा कलर में, मिट्टी कलर में, इस प्रकार का कछुआ होता है ना। और जो खरगोश रहता है वो कैसा होता है? खरगोश एकदम सफेद होता है ना, और खरगोश तेज दौड़ता है, और कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, है ना। तो क्या हुआ, खरगोश और कछुआ दोनों में शर्त लगी कि खीर जो पहले जाएगा वो खाएगा। आप लोग बताइए, पहले खरगोश खाएगा?